Hello and welcome to my channel, My Art and Craft Corner. तो आप देख सकते हैं कुछ फैब्रिक पेंटेड कुशन कवर्स। ये बहुत इजी है बनाना विथ सिंपल कलर मिक्सिंग टेक्निक। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रोसेस इस तरह का इजी कुशन कवर बनाने का। तो इस तरह के कुशन कवर के लिए हमें, आइए देखते हैं किन किन चीजों की जरूरत होगी। ब्रश, फ्री हैंड मूवमेंट के लिए हम एक मोटा ब्रश ले लेंगे। मैंने यहाँ पर नंबर 8 का ब्रश लिया है। गोल्डन कलर को मिक्स करने के लिए मीडियम चाहिए। व्हाइट एंड ब्लू कलर चाहिए। फॉर लाइटर शेड्स एंड ए हिंट ऑफ ब्लैक चाहिए हमको फॉर डार्कर शेड्स। डार्क ब्लू बनाने के लिए हमें ब्लैक कलर की जरूरत है। लाइट कलर के लिए ब्लू में व्हाइट मिक्स करेंगे। डार्क कलर के लिए हम ब्लू में ब्लैक कलर का मिक्स करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमें और क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए क्लॉथ जिसके ऊपर हम पेंटिंग करेंगे, एक वेस्ट क्लॉथ ब्रश को पोंछने के लिए, और क्लियर एडहेसिव टेप चाहिए लाइंस बनाने के लिए, और कैंची कट करने के लिए। ये तीनों कलर मिक्स करने के लिए हमें वाटर चाहिए, और गोल्डन कलर के लिए मीडियम चाहिए। इसमें हम वाटर का यूज नहीं करेंगे। आइए बनाते हैं। मेरे 15x15 के कुशन के लिए मैं यहाँ पर क्लॉथ कटिंग करूँगी 16x35 इंचेस का। विड्थ 16 इंचेस, लेंथ 35 इंचेस, और ये जो 16x16 का मुझे फ्रंट एरिया मिलेगा उसमें मैं पेंटिंग करूँगी। तो मुझे मार्क करना है 7 इंचेस में, देन 7 के बाद 16 इंचेस में मुझे मार्क करना है फॉर फोल्ड, ताकि हमें 16x16 का फ्रंट एरिया मिल जाए। देखिए मैंने क्लॉथ कटिंग करके उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ से स्टिच कर लिया है, और रॉन्ग साइड में मैंने मार्किंग कर लिया है 7 इंचेस। यहां पर एक फोल्ड लगाएंगे और देन 7 to 16 इंचेस यहाँ पर एक फोल्ड में दबा के उल्टा करेंगे। अब सीधे पोर्शन में हमको कलरिंग करना है, तो मुझे चाहिए 16x16 का फ्रंट पोर्शन। इसी एरिया में हम कलरिंग करते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें एक पट्टे के ऊपर, मैं यहाँ पर एक सैंपल पीस ले रही हूँ, आप पट्टे के ऊपर डायरेक्ट आपका क्लॉथ बिछाकर कलरिंग कर लें। तो पहले आप नीचे एक पॉलीथीन डाल दीजिए, फिर एक कार्टन का पीस ले लीजिए, उसके ऊपर मैं यहाँ पर एक सैंपल पीस रख रही हूँ, आप आपका क्लॉथ बिछा सकते हैं। कार्टन के ऊपर पूरा इसको आराम से आप बिछा सकते हैं। मैं यहां पर सिंपल पीस ले रही हूं। तो ये देखिए, इस पर हम सबसे पहले टेप चिपका देंगे। आपके क्लॉथ के 16x16 एरिया में आपको ऊपर और नीचे सबसे पहले टेप चिपकाना होगा। अब आपको जितने भी लाइंस बनाने हैं इस तरह से सीधा उसको चिपकाते जाइए।
स्ट्रेट लाइंस बनाते जाइए और अच्छे से उसे दबाइए ताकि कलर अंदर ना जा पाए। कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइंस बना लीजिए, जितना भी लाइंस आपको चाहिए उस हिसाब से। अब इसमें हमको कलर करना है। सबसे पहले लाइट शेड यूज करेंगे। कुछ इस तरह से अच्छे से दबाते हुए आपको कलर करना है। कलर पट्टे में जाए या फिर लाइंस के ऊपर कोई बात नहीं, आपको जितने शेड्स चाहिए आप उस हिसाब से अपने शेड्स बना सकते हैं। और पानी जितना कम दे सके उतना कम यूज कीजिए। अब मैं थोड़ा और डार्क करूंगी, लाइट का थोड़ा दूसरा शेड बना लूंगी और दूसरी लाइन में आ जाऊंगी। ये देखिए कुछ इस तरह से, बस मिनटों में बन जाता है इस तरह का कुशन कवर। पेंटिंग करना बहुत ही इजी है। अब मैं ब्लू यूज करूंगी विदाउट एनी कलर मिक्सिंग। थोड़ा सा पानी में डिप करके बीच में एक लाइन में छोड़ रही हूं फॉर गोल्डन कलर। लाइंस के ऊपर कलर जा रहा है कोई बात नहीं। तो हमने ब्लू कलर कर लिया। अब ब्लू से थोड़ा डार्क कलर हमको चाहिए, तो ये हमने ब्लू कलर निकाला और ब्लू से डार्कर कलर करने के लिए हमें चाहिए 18 टफ ब्लैक। थोड़ा सा ब्लैक कलर हम इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए डार्क ब्लू कलर आ गया। हमें लाइट कलर बनाने के लिए किसी भी कलर को जैसे व्हाइट कलर की जरूरत है, ठीक वैसे ही किसी भी कलर को डार्क कलर देने के लिए ब्लैक कलर की जरूरत है। ये देखिए डार्क ब्लू कलर आ गया। अब इसे हम अच्छे से कलर कर देंगे। अब साइड्स को बिल्कुल मत छोड़िए, पूरा क्लॉथ को अच्छे से कलर कीजिए। बस ये आपका लाइट एंड डार्क कलर तो हो गया। अब आइए देखते हैं कैसे गोल्डन कलर का हम यूज करते हैं। तो गोल्डन कलर को मिक्स करने के लिए हमें गोल्डन कलर और मीडियम चाहिए। हम इसमें वाटर का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, ओनली मीडियम चाहिए। थोड़ा सा उसको लिक्विड बनाने के लिए मैं यहां पर दूसरे ब्रश से थोड़ा सा कलर इसमें कलर में थोड़ा सा मीडियम में ऐड करूंगी। बस बन गया मेरा गोल्डन कलर, इट्स रेडी फॉर पेंटिंग। तो बीच में हमने जो जगह छोड़ा था वहां पर हम ये गोल्डन कलर को पेंट कर देंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने पूरा गोल्डन कलर को अच्छे से लाइन में भर लिया है। अब हमें इसे 24 आवर्स के लिए ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ना है, उसके बाद ही आपको टेप निकालना है। टेप निकालने की जल्दीबाजी मत कीजिएगा।
तो चलिए, कुछ देर सूखने के बाद हम ये सेलो टेप निकाल के देखते हैं कैसा बना है। पर आप 24 घंटे सूखने के बाद ही सेलो टेप निकालिए, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं, आपका क्लॉथ खराब हो सकता है। बी केयरफुल। तो आपका क्लॉथ कुछ इस तरह से बन गया। अब इसे सूखने के लिए छोड़ना है फॉर 1 day, 24 आवर्स के लिए इसे सूखने दे। तो 24 आवर्स के सुखाने के बाद आप इसे स्ट्रिप आउट कर लीजिए, पूरा सारा सेलो टेप निकाल दीजिए, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसे आयरन कीजिए। याद रखिए, कोई भी फैब्रिक पेंटिंग हो, आपको 24 आवर्स के बाद उसे आयरन करना जरूरी है। उल्टे साइड से हॉट आयरन चलाइए, स्टीम आयरन गलती से भी नहीं, नो स्टीम आयरन, ओनली हॉट एंड ड्राई आयरन आपको करना है। और अगर सामने से आपको आयरन करना है, ऊपर से एक क्लॉथ बिछा के आप आयरन कर सकते हैं। इस तरह से आप कुशन कवर को आयरन कर लीजिए और बस रेडी है आपका कुशन कवर। देखिए, तो बन गए आपके कुशन कवर, इजी सिंपल कलर मिक्सिंग से। थैंक यू।